ये देखिए किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रैक्टर से हमने देसी खाद मंगाया है और खाद डालेंगे हम आलू करने से पहले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो दूसरा ट्रैक्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा सहारा दे रहा है, तब जाके वो ट्रैक्टर आगे बढ़ पा रहा है, नहीं तो वो अकेला ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हम खाद को मंगाते हैं और धान काटने के बाद थोड़ी खेत में नमी रहती है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमें आलू की खेती करनी है, इस वजह से हमने ये खाद ज़रूर मंगाया है और थोड़ी हमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि किसान भाइयों काफ़ी जो पोटास है वो नहीं मिल पा रही है, तो हमने सोचा देसी खाद तो डलवाई लें, ये तो मिल ही रहा है। तो ये देखिए इस ट्रैक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है देसी खाद लाने में, जैसे कि आप देख पा रही हो, और पीछे से सहारा लेना पड़ रहा है, तब जाके ये ट्रैक्टर आगे बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा खाद हमारा कैसा आया, ये देखिए यहाँ पर भी इसने जंप किया था, और देखिए फिर ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, अब दूसरे ट्रैक्टर से सहारा लेके ही आगे बढ़ेगा, जैसे कि आप देख पा रही हो। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है किसान भाइयों देसी खाद डलवाने में, तो आप भी डलवा सकते हो इस समय काफ़ी खेतों में। तो ये देखिए किसान भाइयों, अब हमने देसी खाद इस तरीके से पूरे खेत में ढेरी बनवा ली है, बाद में इसको फैलाएंगे हम, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब ये देसी खाद डाल के ट्रैक्टर खाली होके जा रहा है और दोबारा लेने ये गया। नमस्कार, धन्यवाद।